हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई रियली होप कि सब लोग एकदम बढ़िया हैं। और आज का जो सेशन होगा, बहुत सारे बच्चे, बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ पोलिटिकल साइंस टीचर एंड मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है, तो मुझे पता है कि आप लोग इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बीए ऑनर्स पोलिटिकल साइंस की वीडियो का, कि क्या क्या प्रेफरेंस हो सकती है, हम किस प्रेफरेंस में अपने कॉलेजेस, किस कॉम्बिनेशन में अपने कॉलेजेस को फिल कर सकते हैं। सो गाइज, here is the video for all of you who have been demanding it for so long, the ones who want me to make a video on history honors, or for that matter geography honors or sociology honors, do comment down and let me know. But yahan pe isme mera personal expertise hai, to hum log jo hai is video ko definitely start karte hain. Sabse pehle to yaar mere ko na, maine bahut basic cheez se start kiya hai, which is the program eligibility. So political science honors mein aap sab logon ne jab CUET ka paper diya hoga to aap logon ko pata hi hoga, aap logon ne dekhi hogi program eligibility kya hai. Program eligibility basically kya hai ki aapko koi ek language, agar aapko Delhi University mein admission lena hai political science honors के लिए, तो आपको एक लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी थी। तो आई होप सब लोगों ने इंग्लिश, हिंदी, जो भी अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज है वो सिलेक्ट जरूर करी होगी। साथ ही साथ आपको जो है लिस्ट वन से कोई भी दो सब्जेक्ट्स उठाने थे, एंड लिस्ट ए वन से बेसिकली कोई भी, लिस्ट बी वन से बेसिकली कोई भी दो सब्जेक्ट्स उठाने थे, और लिस्ट बी टू से जो है आपको कोई भी, लिस्ट बी वन या बी टू से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना था। तो आई होप ये एलिजिबिलिटी तो आप लोगों ने कवर कर ही ली होगी, एंड कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी आप लोगों को। मैं ये वीडियो को बहुत छोटा रखूंगी ताकि आप लोगों को फटाफट से जो है चीजों का अंदाजा हो जाए। ये कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं है, ये नंबर ऑफ कॉलेजेस है जो आपको बी ए पोलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑफर करते हैं। ओके, ये जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस है जो आपको बी ए पोलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑफर करते हैं। नंबर वन इज आर्यभट्ट, आत्माराम सनातन धर्म से लेके 46 नंबर पे जाकिर हुसैन कॉलेज। और ये कोई प्रेफरेंस वाइज नहीं दिया हुआ, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है फ्रॉम ए टू जेड। ओके, सो ये सारे कॉलेजेस हैं। ये बेसिकली अगर आप लोग चेकआउट करें तो दीज आर, अभी मैं आपको बताती हूँ, प्रेफरेंस भी बताती हूँ, बट आप अगर चेकआउट करो तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट्स हैं, कि चलो आर्यभट्ट में 23 सीट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए 9 सीट्स है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीट्स है, ओबीसी के लिए 16 सीट्स है, माइनॉरिटीज का यहाँ पे दे रखा है, एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितनी सीट्स है। तो यहाँ पे ये सारे कॉलेजेस उनकी सीट्स एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि ये सारे कॉलेजेस हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑफर करते हैं। ओके, सो अगर आप लोग चेकआउट करें तो इन टोटल 46 कॉलेजेस हैं। ऑलराइट, मैंने जो है प्रेफरेंस बनाई है टोटल 30 कॉलेजेस की, उसके बाद बचे हुए कॉलेज, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, इसमें से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डे कॉलेज भी और इवनिंग कॉलेज भी है, तो इसमें दो दो बार दिया हुआ है, जैसे दयाल सिंह कॉलेज डे, दयाल सिंह कॉलेज इवनिंग, तो वो दो काउंट किया गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके इवनिंग कॉलेजेस को मिला के देखो, जैसे ये हो गया जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग भी है और जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली में जो मेन कॉलेज है वो भी है। सो ऐसे ऐसे मिला के जो है कॉलेजेस जो है आप लोगों को 46 करे हुए हैं, तो मैंने इन टोटल आपको 30 की प्रेफरेंस दी है। आप बाकी जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उसको आप उसके बाद एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये मेरे हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए आप लोगों की। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए, विद ऑल द, मैंने हर चीज को दिमाग में रखा है, मैंने कैंपस को, सोसाइटीज को, एरिया को, कौन सा कैंपस है, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, फैकल्टी कैसी है, बिकॉज ऑफकोर्स यू नो वंस यू आर अ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आपको पता होता है कि दूसरे कॉलेजेस के बारे में, बिकॉज हर कॉलेज में आप जाते हो, आपके फेस्ट होते हैं, तो यू नो द क्राउड एंड एवरीथिंग। सो उस हिसाब से जो है मैंने ये पर्टिकुलर प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करी है, जिसके अंदर ऑन टॉप वी हैव हिंदू कॉलेज। ये सारी रैंकिंग ना आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इसका मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको उसमें मिल जाएगा, किसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ओके, तो ये आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर की रैंकिंग के हिसाब से आप लोग जो है चेकआउट कर सकते हैं. मेड बी योर हिंदू कॉलेज, देन इट्स मिरांडा हाउस. अच्छा, जो वुमेन्स कॉलेजेस है ना, बेचारे मेरे लड़के लोग, आप जो वुमेन्स कॉलेजेस हैं आप उनको एलिमिनेट करके बाकी सारे कॉलेजेस को ऊपर ऊपर रख सकते हैं. एंड द वंस हु आर गर्ल्स, आप लोगों के लिए तो ये पर्टिकुलर लिस्ट बेस्ट लिस्ट है. व्हेन इट कम्स टू हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस हो गया, फिर रामजस, फिर किरोरी माल, फिर अच्छा इसके अंदर ना मैंने जीजस एंड मेरी कॉलेज ऐड नहीं किया है. आप अपनी प्रेफरेंसेस से जीसस एंड मेरी कॉलेज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जीसस एंड मेरी का ना बेसिकली सीन ये है कि जीसस एंड मेरी के अंदर कम से कम भी 50% ऑफ सीट्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है. सो उसको आप अपने हिसाब से जो है, मैं आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगी कि आप उसको बिल्कुल टॉप पे ना रखें या टॉप फाइव में ना रखें, क्योंकि यार अब देखो ना सीटें बहुत कम है फिर जीसस एंड मेरी की. सो फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए सीट्स हैं जो रिजर्व हैं, बाकी अनरिजर्व के लिए बहुत कम सीटें हैं. तो आप उसको टॉप फाइव में ना रख के मे बी सिक्स, सेवन्थ, एट्थ पोजिशन में डाल लीजिएगा, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा. ठीक है, सो एक जीसस इन मेरी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, बाकी सारे कॉलेजेस यहाँ पे एडेड हैं. ये स्लाइड वन है बच्चा बाटी, ठीक है, दिस इज स्लाइड वन. ओके, फॉर योर प्रेफरेंस इसको चेकआउट कर सकते हैं आप. हिंदू, मिरांडा, रामजस, किरोड़ीमल, लेडी श्री राम, श्री वेंकटेश्वर, दौलत राम, आईपी कॉलेज फॉर वुमेन, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आत्मनाम, सनातन धर्म, दयाल सिंह, श्री गुरु तेग बहादुर, गार्गी, कमला नेहरू एंड मोतीलाल. अच्छा, एंड बाय द वे, ये जो स्लाइड वन है इसमें नॉर्थ कैंपस के भी कॉलेजेस हैं और साउथ कैंपस के भी कॉलेजेस हैं. जैसे तुम्हारा ये वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है, तुम्हारा जो ये गार्गी कॉलेज है ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, कमला नेहरू इज ऑल्सो साउथ कैंपस, मोतीलाल इज ऑल्सो साउथ कैंपस, ठीक है. तो ये सारे ए आर एस डी कॉलेज, इट इज ऑल्सो साउथ कैंपस, ठीक है. तो ये सारे मिक्स ऑफ साउथ एंड नॉर्थ है, बट मैं आपको प्रेफरेंस में मैंने नॉर्थ को ऊपर ऊपर रखा है, क्योंकि यार ऑफकोर्स यू नो द हाइप ऑफ नॉर्थ कैंपस. सो दैट्स वॉट, तो आप लोग इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं. ये स्लाइड टू है, ठीक है, तो ये क्या है बच्चा बाटी, ये आपकी स्लाइड टू है, तो इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज स्लाइड नंबर टू, जिसके अंदर आपका महाराजा अग्रसेन कॉलेज, फिर उसके बाद मैत्रेयी कॉलेज, पीजीडीएवी, विवेकानंद कॉलेज, कालिंदी कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज. अच्छा, बहुत बच्चे ना श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और श्री ये वाला जो कॉलेज है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. बेटा ये जो कॉलेज है ना, तेग बहादुर वाला कॉलेज, तेग बहादुर कॉलेज, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है, ये नॉर्थ कैंपस का खालसा, इसको हम श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज इतना लंबा लंबा नहीं बोलते, इसको हम सिर्फ खालसा कॉलेज बोलते हैं नॉर्थ कैंपस का, ठीक है. तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कंफ्यूज होके, और ये जो कॉलेज है ये वाला कॉलेज श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, ये बेटा ये आपका ऑफ कैंपस का कॉलेज है, ये आपका पड़ता है राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर में पड़ता है. दिस इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज. तो इसको आप नीचे, अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये वही वाला कॉलेज है जो खालसा, जो नॉर्थ कैंपस में. नहीं, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है. इसमें भी सिख माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन आप इसको अच्छा कॉलेज है, आप इसको डिसेंट कॉलेज है रख सकते हो, ठीक है. तो ये डिफरेंस याद रखना है, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा इज नॉर्थ कैंपस एंड श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज. ओके, तो आपको उस हिसाब से उसको प्रेफरेंस में रखना. आप अगर श्री गुरु नानक देव खालसा को नॉर्थ कैंपस समझ के फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दोगे तो थिंग्स विल नॉट बी गोइंग अकॉर्डिंग टू योर वे. फिर रामानंजन कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, राजधानी, श्री औरबिंदो कॉलेज, सत्यवती कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज. और इनके इवनिंग कॉलेजेस भी हैं, जैसे जाकिर हुसैन का इवनिंग है, दयाल सिंह का इवनिंग कॉलेज भी है. तो आप उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, पीजीडीवी का इवनिंग है तो उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से. इवनिंग कॉलेजेस को मैं आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगी कि उसको नीचे नीचे ही लिखिएगा, क्योंकि यार नोबडी वॉन्ट्स टू गो टू एन इवनिंग कॉलेज अंटिल एंड अनलेस आपका कोई पर्टिकुलर रीजन ना हो, ठीक है. तो इवनिंग कॉलेज को लक्ष्मीबाई कॉलेज के नीचे नीचे ही ऐड करना. ओके, सो आई रियली होप दैट दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्ड यू, एंड आई एम एंड ऑनेस्टली इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर वीडियो फॉर हिस्ट्री ऑनर्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ऑनर्स, बी ए प्रोग्राम, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई बी मोर देन हैप्पी सर्विंग यू गाइज, बिकॉज अभी तक 10th of October तक टाइम है, एंड मैं आपको ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगी कि 10th October से पहले पहले बस आप ना, मैं आपको आई टेल यू वॉट, अपना प्रेफरेंसेस सेव करके रख लो, लोगों की बातें सुनते जाओ, बट करो अपनी, एंड साथ ही साथ वट एवर यू फील कि यार अच्छा सेव करना, सबमिट मत करना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड सबमिटिंग. ओके, 10 अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हो, तो आप प्लीज उसको सबमिट मत कीजिएगा. वट यू कैन डू इज कि आप उसको सेव करके रख लीजिए, फिर आप उसको एडिट भी कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद सबमिट अगर नहीं किया तो एडिट का ऑप्शन आता है.
ओके, तो फिर आप जो है यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन वे. सो थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली होप दैट दिस इज क्लियर. आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड दिस पीडीएफ ऑन द टेलीग्राम, सो यू गाइस कैन जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइस सुपर सून. अंटिल देन प्लीज टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट डाउन, लेट मी नो. थैंक यू बच्चे वारी, बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.